हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के ऐतिहासिक और भौगोलिक स्थिति के बारे में। उत्तराखंड को हम लोग स्टडी करेंगे इस सीक्वेंस में, जैसा कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी आरओ एआरओ और स्क्रीनिंग की क्लासेस के लिए। तो जो हमारी पेड क्लासेस हैं वो तो चल ही रही हैं, और साथ ही साथ आपको यूट्यूब पर भी क्लासेस आप लोगों को मिलती रहेंगी। और अब हम बात करेंगे सबसे पहले उत्तराखंड की भौगोलिक और ऐतिहासिक चीजों के बारे में। तो अगर हम भूगोल की बात करें उत्तराखंड की, तो सबसे पहली चीज आती है कि इसकी जो स्थिति है वो ग्लोब पर क्या है। मैं आप लोगों को एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बताऊंगा कि जब भी आप लोग याद करें, कोई भी डिजिट याद करें, जैसे कि 53484, ठीक है, आप लोगों ने पहले कोर्स ज्वाइन किया होगा तो आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि आपको डिजिट को हमेशा इसी तरह से याद करना है, इस तरह से याद नहीं करना है 53484 या 53484। आप लोगों को इसे इस तरह से याद नहीं करना है, आप लोगों को सीधे सीधे इसे पढ़ना है 53484। इससे आप लोगों को चीजें जल्दी याद होंगी और बहुत आगे तक आप लोगों को ये चीजें याद रहेंगी। और फिर आता है पिक्चराइजेशन मेथड। पिक्चराइजेशन मेथड में आप लोगों को इसे, अभी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके भी इसे दिखाऊंगा, आप लोगों को सारी चीजें यहीं पर याद हो जाएंगी। मेरी वीडियोस के साथ में आप लोगों को ज्यादा बाद में टाइम नहीं देना पड़ेगा, आपको वीडियो के साथ साथ में मैं सारी चीजें याद करवाते हुए चलूंगा। अब देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है 28 के बाद मैंने लिखा है 31, फिर लिखा मैंने 77 और फिर लिखा है मैंने 81। अब इसमें गैप जो है वो 3 का है, और इसमें आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे 4 का आप लोगों को गैप दिखाई देगा। बस आपको इतना ही याद रखना है और आपको जो अक्षांश की स्थिति है वो आप लोगों को याद रहेगी, जैसा कि 28 डिग्री 43 मिनट। अगर आप इसे इस तरह से याद करेंगे तो आप लोगों के लिए ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप इसे सीधे सीधे 28 43 इस तरह से याद रखेंगे तो आप लोगों के लिए ये इजी हो जाएगा। तो मैं भी आप लोगों को सीधे सीधे इसी तरह से कहूंगा 31 27, फिर आप 77 34 और 81 22, इस तरह से आप लोगों को इसे याद करना है। तो अगर आप यहाँ आप लोगों को याद हो जाता है एक बार 21 28 31 77 81, अगर आपको ये चीजें याद हो जाएंगी तो डेफिनेटली बाकी चीजें आप लोगों को इजीली याद हो जाएंगी। तो ये आप लोगों का क्या है, क्षेत्रफल है, ये उत्तराखंड का आपका क्षेत्रफल है। अब हम बात करेंगे कि ये अगर हम इससे इंडिया के कंपैरिजन में देखें तो ये इंडिया के कंपैरिजन में 1.6 जो है पार्ट है, उसका भाग है ये आपका। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे, अगर आप इस तरह से याद रखेंगे 1.6 भाग है, अगर आप इसे पूरा लिखेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपका आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, तो आपको सिर्फ 1.6 याद रखना है। क्योंकि जो मैं आपको ये चीज भी क्लियर कर दूं कि एग्जाम में आपकी ये जो डिजिट्स हैं सिर्फ यही इंपॉर्टेंस है, इन्हीं चीज का इंपॉर्टेंस है, ये वा भाग क्षेत्रफल इस तरह की चीजें आप लोगों की इंपॉर्टेंट नहीं होती है। अगर आपके पास में 4 ऑप्शन आप लोगों को दिखाई देते हैं 1.7 1.8 1.6 1.9, अब अगर आपने यहाँ पर इसे 1.6 लिखा है और आपने इसे इसी तरह से 50 बार आप लोगों ने इसे, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो ये वीडियो हम बनाएंगे 20 से 25 मिनट, इसे हम सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट भी बहुत बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ 2 मिनट में इसे आपको रिवीजन करके भी दिखाऊंगा। मीन्स 20 मिनट तो हम इसे डिस्कशन करेंगे, चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन साथ ही साथ 2 मिनट में आप इसे रिविजन कर पाएंगे। तो आप एक पूरे चैप्टर का रिविजन अगर 2 मिनट में कर सकते हैं तो आप ये मान के चलिए कि जो पूरी बुक होती है उसका रिविजन आप 30 मिनट में डेली कर सकते हैं। अगर आप मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल पर पिछला एक वीडियो मैंने अपलोड किया था कि कम टाइम में आप कैसे रिवीजन करें, पूरा एक बुक एक दिन में कैसे खत्म करें, वो आप जरूर देखें उस वीडियो को। तो चलिए फिर से आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा 28 31 77 एंड 81। इवन यहाँ पर आप ये 31 और 81 को भी क्या कर सकते हैं, कोरिलेट करके चल सकते हो, आप लोगों को चीजें याद हो जाएंगी। यहाँ पे है 78, देखो ये कॉन्टिन्यूस में है, ये क्या है 2 3 7 8, तो अगर आप इसे थोड़ा सा अगर भूल जाते हो तो 2 3 7 8 इस तरह से लिखिए। फिर उसके पीछे आप लोगों को क्या है याद रखना है कि ये 28 था, ये तो डबल है आप लोगों का 77 है, ये 28, इसमें 3 अगर आप लोगों का बढ़ जाता है तो ये क्या होता है 31 होता है। यहाँ पे आप लोगों को कितना बढ़ाना था,
यहाँ पे आपको 4 बढ़ाना था, तो ये कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। इस तरह से लॉजिकल, और ये चीज साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए तो बहुत ही इजी होती है क्योंकि उन्हें रटने की आदत नहीं होती है। तो यहाँ पर अगर आप इस तरह से लॉजिकल पढ़ेंगे ना, तो आपको हिस्ट्री तक या आप लोगों को बहुत याद हो जाएगी। जो स्क्रीनिंग के पिछली बार सिलेक्शन हुए थे, उन लोगों का यही एक्सपीरियंस था कि सर आपका पढ़ाया हुआ हमें इसलिए याद होता है क्योंकि उसमें आप कहीं ना कहीं हिस्ट्री में भी आप लॉजिक डाल देते हैं। तो इस तरह से आप लॉजिकल चीजें याद रखेंगे तो लंबे टाइम तक याद रख पाएंगे। अब आ जाते हैं यहाँ पे, एक फैक्ट और लिख रहा हूँ मैं, 358 यहाँ पर लिखा है मैंने, 320 लिखा है। तो अगर मैं इसको डायमेंशन की बात करूँ तो सीधे सीधे पता चल रहा है कि ये क्या है, एक आयताकार है। हमारा जो स्ट्रेट है उसका जो शेप है वो क्या है, एक आयत की तरह है, आयत नहीं, आयत, आयत की तरह, ठीक है, मीन्स रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में यूज करने की कोशिश करता हूँ जिससे कि आप लोगों को, अगर कोई इंग्लिश बैकग्राउंड का हो तो उसे ज़्यादा, उसे भी हेल्प मिल जाए। तो 358 किलोमीटर एंड 320 किलोमीटर है। तो अब देखिए, फिर से वही बात आती है कि ये किलोमीटर है ना, इसका हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ 358 और 320 ही याद रखना है क्योंकि वहां पर आपको यही चीजें दिखाई देंगी और हो जाएगा आप लोगों का। अब इसे देखते हैं हम कि जो क्षेत्रफल तो था आपका 53484, लेकिन ये है आप लोगों का 18वां, यहाँ पे मैंने 18 लिखा है, ठीक है, सिर्फ 18 लिखा है। आप लोगों को सिर्फ ये डिजिट याद रखनी है, ये बाद में आप लोगों का दिमाग अपने आप रीड कर लेगा कि ये 18वां है किसमें, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, 18वां है ये किसकी जनगणना, 2011 के, अब 2011 के जनगणना के हिसाब से हम देखें तो ये कौन सा है, 20 है, ठीक है। तो देखिए 18 और 20 इसमें आपका गैप आ रहा है 2 का, तो लगभग आप लोगों का सेम रहेगा। यहाँ पे 1.6 है तो ये कितना है, 16, अब 16 लिखिए, ठीक है। अब इस तरह से याद कर लीजिए, देखिए 16 हो गया, यहाँ पे आप लोगों का ये हो गया आपका 18 और ये हो गया आपका 20। अब यहाँ पे पॉइंट लगा लीजिए, बस आपके जो तीन तीन फैक्ट है ना वो आप लोगों को याद हो जाएंगे, 16, 18, 20, और 16 में आपको पॉइंट लगा लेना है, बस इतना हो गया। अब चलते हैं आगे, चलते हैं देश के, ये अब अगर हम देश की सीमा की देश में इसकी स्थिति की बात करें तो ये देश में क्या है, उत्तर पश्चिम में है, किसमें, उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में है। और अगर हम हिमालय की बात करें यहाँ पर तो ये मध्य हिमालय में है, कहाँ पर है, ये आपका मध्य हिमालय में स्थित है। अब देखिए इतने हमने यहाँ पे फैक्ट लिखे हैं, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को इसका जादू बताता हूँ कि क्या होगा अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो। ये आपका उत्तराखंड, अब आप लोग बताएंगे, देखिए एक कागज पेन लेके बैठेंगे मेरी क्लास में तो बहुत अच्छा आप लोगों को याद भी होगा। मैंने कहा था कि यहाँ पे था आपका 2, यहाँ पे था आपका 3, यहाँ पे था आपका 7, यहाँ पे था आपका 8। यहाँ से आपको इसे 27 याद रखना था, 3 का इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 31, ठीक है, यहाँ पे 77 और ये 81 हो गया आप लोगों का। बस आपको इतना ही याद रखना है, बाकी चीजें आप लोग बाद में याद कर लीजिए आंसर में। वैसे आप लोगों को इसी से आप लोगों का आंसर निकल जाएगा, एटलीस्ट 80% आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको कहा था 53484 याद रखिए, उसके बाद मैंने तीन डिजिट लिखी थी, यहाँ पे कौन कौन सी डिजिट लिखी थी मैंने, 1 2 3 1 2 3, कौन सी लिखी थी, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर ध्यान में आ रहा होगा, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि ये आप बनाइए, आप अभी इसे चुटकियों में बना सकते हैं, ठीक है, 16 18 और 20 लिखा था मैंने, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे था आपका 1.6, अब यहाँ से मैंने एक डिजिट यहाँ पे लिखी थी, 358 लिखी थी और 320 लिखी थी, उसके बाद में आ गया था मैंने यहाँ पे 18 लिखा, यहाँ पे आपका 20 लिखा, इधर मैंने उत्तर पश्चिम आप लोगों के लिए लिखा था, ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा था उत्तर पश्चिम। तो देखिए इतनी चीजें, ये डिजिट आप लोग, अब अगर इसे आपको प्रैक्टिस करना है कहीं पर तो बस बीच में छोटा सा, एक छोटा सा स्पेस लीजिए फिर से। अब देखिए ये तो मैंने काफी बड़ा लिख लिया है, तो अगर आप इसे छोटा सा, छोटी सी स्पेस पे लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया उत्तराखंड, अब इससे आपको रिवीजन करने में कितनी आसानी होगी। देखिए यहाँ पे आप लोगों का मैंने कहा ये 27 31 77 81, लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, 353484 यहाँ पे कीजिए, 16 या 1.6 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 358 एंड 320 जो भी आप लोग लिखना है, 18 ये होगा आपका,
20, और फिर यहाँ पे आपका उत्तर पश्चिम आ जाएगा और ये मध्य हिमालय आ जाएगा, ठीक है। ये आप लोग अगर इस तरह से एक पेज में लिखेंगे तो आप एक पेज में इसे 10 बार, ठीक है, 1 मिनट में, 1 मिनट में आप इतना रिवीजन जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, 1 मिनट में अगर आप इसे बनाना चाहें तो 1 मिनट में आप इसे 5 से 6 बार आप इसे बना सकते हैं। तो आप सोचिए कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपने 5 से 6 बार रिवाइज कर ली है, अगर आप इसे कंटिन्यू करेंगे आगे को, ठीक है, पूरे चैप्टर की, तो ये बनेंगे आपके इस तरह के, आपके 4 डायग्राम एक चैप्टर में, एक चैप्टर के 4 डायग्राम हो जाएंगे। तो 1 मिनट में आप इसे 4 बार बना सकते हैं, तो पूरा 10 मिनट में आप इसे लगभग 40 टाइम आपका रिवीजन हो जाएगा। अब चलिए आगे की मैं आप लोगों को चीजें बताता हूँ, इसके साथ साथ में आगे भी पढ़ते चलेंगे। अब अगर हम इसकी अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंड का, मैंने कहा ना कि 4 बनेंगे आपके, तो 4 में आप लोग 2 सेकंड जो आप लोगों का बनेगा वो आप लोग ये देख लीजिए कि इसमें उत्तर में, सॉरी, उत्तर हो गया, पूर्व हो गया, और यहाँ पे हो गया आपका पश्चिम, और लास्ट में हो गया आपका दक्षिण, ठीक है। ये आपका बहुत ज्यादा पसीना हो रहा है हाथ में, तो इस वजह से थोड़ा पेन डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन फिर भी होपफुली आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा। उत्तर में जो है आप लोगों का क्या है, तिब्बत है, उत्तर में क्या है आप लोगों का, तिब्बत है, और यहाँ पे क्या आप लोगों का, नेपाल है, और इधर क्या आप लोगों का, हिमाचल है, और यहाँ पे आप लोगों का है वो उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब आप लोगों को इसे याद कैसे करना है, तीन ही उत्तर प्रदेश कैसे बोलना आप लोगों को, देखिए उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, दक्षिण, ठीक है, पश्चिम, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इस तरह से आप लोग इसे इसी सीक्वेंस में आप लोगों को लिखना है, क्योंकि मैंने इसे ऐसे याद किया है, तो मैं आप लोगों को इसी सीक्वेंस में बता रहा हूँ। तो आप लोगों को तीन ही उत्तर प्रदेश, तीन ही उत्तर प्रदेश, तो 3 से तिब्बत हो जाएगा, 30 से तिब्बत हो जाएगा, और 9 से नेपाल हो जाएगा, और ही से क्या हो जाएगा आपका, हिमाचल, और उत्तर प्रदेश तो हमने बोला ही है कि ये आप लोगों का क्या है, उत्तर प्रदेश है। अब ये तो बहुत ही कॉमन चीज है कि हमें पता है कि ये उत्तर प्रदेश का भाग है, और इसमें फिर से एक डिजिट आप लोगों को ले, 7816, देखिए 7816, 7816 ये है आपकी समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई जो है सबसे ज्यादा, अधिकतम ऊंचाई की हम बात करें तो वो है आप लोगों को 7816। इसका जो तापमान की हम बात करें तो ये है आपका 1.9 सेल्सियस, ये न्यूनतम तापमान होता है, और जो अधिकतम है वो 40.5 है। नेक्स्ट अगर हम इसकी औसत वर्षा की बात करें तो 1079 mm यहाँ पर क्या होती है, बारिश होती है, 1079 mm। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पर होती है, वो है आपका नरेंद्र नगर, नरेंद्र नगर, इसीलिए जो नरेंद्र नगर है उसे क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है उत्तराखंड का चेरापूंजी, उत्तराखंड का चेरापूंजी। अब पिक्चराइजेशन जरूर करते चलिए, ठीक है, बुक में आप पिक्चराइजेशन नहीं कर सकते, जब आप इसे नोट्स बनाएंगे अपने पास व्हाइट पेज पे इसे बनाएंगे तो तब आप इसे पिक्चराइजेशन कर पाएंगे, और आपको ये बहुत हेल्प करेगा। इसमें नरेंद्र नगर के बगल में ही हमेशा आप द्वाराहाट जरूर लिखिए, द्वाराहाट, ये आपको हमेशा याद रखना है, द्वाराहाट, ठीक है। जब भी हम नरेंद्र नगर लिखेंगे आप उसके सामने द्वाराहाट लिखें, नरेंद्र नगर में सबसे ज्यादा बारिश होती है, द्वाराहाट में क्या है, सबसे कम वर्षा होती है। तो इसमें जो है कोरिलेशन वाली बात आ जाती है, आप कोरिलेट कर पाएंगे चीजों को। अब अगला एक अगला डायग्राम बना लेते हैं, ये आप लोग अपना बिल्कुल क्लीन बना सकते हैं, थोड़ा सा जो पेन की सेटिंग है थोड़ी सी गड़बड़ा रखी है, मैं उसे ठीक कर लूंगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, बट आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा जो उत्तराखंड है उसका वन क्षेत्र। अब बात करते हैं वन क्षेत्र, वन क्षेत्र में आपको 34662 याद रखना है, 34662, ये आपका वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। अब उत्तराखंड का विभाजन किया गया है, विभाजन किया गया है, ये
चार भागों में किया गया है। इसमें पहला जो भाग है वो है महान हिमालयी क्षेत्र। पहला क्या है आप लोगों का? महान हिमालयी क्षेत्र। और दूसरा है मध्य हिमालयी क्षेत्र। देखो अब यहाँ पर क्योंकि ये हिमालय का ही पार्ट है, पूरा जो उत्तराखंड है वो पूरा क्या है? हिमालय का पार्ट है। तो आपको ये हिमालय क्षेत्र पर फोकस नहीं करना है, आपको इसे थोड़ा शॉर्ट कर लेना है। महान हो गया, मध्य हो गया, आपका थर्ड होगा शिवालिक, तीसरा कौन सा है आपका? शिवालिक, और चौथा है आपका गंगा का मैदानी क्षेत्र। गंगा का मैदानी क्षेत्र। अब इससे रिलेटेड चीजें हमें लिखनी है सारी चीजें, तो ये वाला हम आगे आगे बढ़ लेते हैं। और महान हिमालयी क्षेत्र के बारे में बात करते हैं, महान हिमालयी क्षेत्र। अब इसके बारे में हम लोगों को कुछ चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले है आप लोगों का 4800 to 6000, ये क्या है आप लोगों का? इसके मध्य में जो है वो महान हिमालयी क्षेत्र है, या उसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है? 400 से लेकर और 6000 मीटर के बीच में है। यह है तिब्बती, तिब्बत का जो पठार है ऊपर, तिब्बती जो पठारी क्षेत्र है उस सीमा को अलग करता है जो महान हिमालय है। इसमें इसके अगर हम चौड़ाई की बात करें तो ये कितना है? 50 किलोमीटर है, तो 50। तो महान हिमालय से रिलेटेड आपको 50 ही याद रखना है। और वर्षा के बारे में बात करें तो ये वृष्टि छाया प्रदेश है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि ये किस तरह का, वर्षा के अकॉर्डिंग ये किस किस तरह का प्रदेश है? तो ये आपका वृष्टि छाया क्षेत्र है। ये आप लोगों को वृष्टि छाया क्षेत्र वगैरह मैंने आप लोगों को भूगोल में वाली क्लास में पढ़ाया था, तो होपफुली आप लोगों को वो चीजें याद होंगी। अब आ जाते हैं कि इसमें जो नदी है, एक दो याद रख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल भागीरथी हो गई, अलकनंदा हो गया, बाकी आप लोगों को जो डिटेल क्लास है नदियों वाली वो तो आप लोगों ने पढ़नी ही है। और हर क्लास में मैं एक चीज आप लोगों को बताता हूँ कि मेरा काम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना नहीं है। इन्फॉर्मेशन को कैसे आप लोग मगअप कर सकते हो, उसे रट्टा मार सकते हो, या उसको अपने दिमाग में फिट बैठा सकते हो, वो मैं कोशिश करता हूँ कि हर क्लास में आप लोगों को आइडिया दे दूँ, ठीक है? बाकी इन्फॉर्मेशन जो है वो हर जगह मिल जाएगी। आप अगर सर्च करेंगे ये सारी चीजें तो ये आपको किताबों में भी मिल जाएगी, लेकिन आपको जो टेक्निक है कि इसे किस तरह से करना है, मेरा काम बस इतना ही है। क्लास में मैं यही बोलता हूँ कि मुझे आज की डेट में, क्योंकि मैं तो अपनी जॉब में हूँ, मुझे ये चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को इसे याद रखना है, आप लोगों को इसे रटना है। अगर मैं चीजें कुछ भूल भी जाता हूँ तो उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तो इसको अपने नोट से देखकर आप लोगों को बता सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को इसे अपने दिमाग में बिल्कुल सेट करना है, जिससे कि आप लोग इन्हें आगे तक अपने एग्जाम तक आप लोग एग्जाम निकाल सकते हैं। देखिए, ज्ञान के लिए पढ़ना अलग चीज है, एग्जाम के लिए पढ़ना अलग चीज है। और हमारा जो फोकस है वो, मैं कहता हूँ कि ज्ञान तो बढ़ ही जाएगा, लेकिन एग्जाम पास करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है एक मिडिल क्लास आदमी के लिए। वह जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे होते हैं, क्योंकि देखिए मिडिल क्लास बच्चे का जो स्ट्रगल शुरू होता है ना, वो 18 साल में, इस 18 साल में वो जागता है, ठीक है? और बेचारे का 25 साल में तो स्ट्रगल खत्म हो जाता है। बस उसके उसके बीच में उसके पास बस ये 6-7 साल ही होते हैं, इसमें या तो उसे आगे बढ़ना है या तो उसे डूब जाना है। और यही जो 6-7 साल हैं, इसमें अगर हमने ज्यादा, हम कहें कि बहुत ज्यादा आइडियल आदर्श होने की का ड्रामा करें तो वो चीजें नहीं निकलती। जैसे कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर आप हमें रटना सिखा रहे हैं। भैया रटना पड़ेगा, आपको रटना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, आपको हर वो टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। शॉर्ट ट्रिक से सारी चीजें नहीं हो सकती, लेकिन शॉर्ट ट्रिक से जो चीजें हो सकती हैं वो तो हम करें। शॉर्ट ट्रिक से कीजिए, पिक्चराइजेशन से कीजिए, अपना जो रटने की कैपेसिटी है उसे बढ़ाइए डेली, ठीक है? लॉ ऑफ एसोसिएशन लगाइए, सारी चीजें अगर आप यूज करेंगे ना, सारे हथियार यूज कीजिए, तब आपका एग्जाम क्लियर हो पाएगा। जब एग्जाम क्लियर होगा उसके बाद आप इन सारी चीजों को साइड में रख के सो जाइए, लेकिन आपका जो एम है वो क्या है? एग्जाम निकालना है, बाकी आदर्श वाली बातें बाद में होती रहेंगी, लेकिन पहले आप अपने सारे जितने वेपन है उन्हें यूज करके एग्जाम निकालिए, ठीक है? हम लोग बात कर रहे थे महान हिमालयी क्षेत्र के बारे में। तो
इसमें हमने बात बात कर लिया कि ये वर्षा की दृष्टि से कौन सा है, वृष्टि छाया क्षेत्र है। इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 50 किलोमीटर है। इसमें कुछ नदियां होंगी, देखिए कॉमन सेंस भी लगाइए साथ में, इसमें कुछ नदियां होंगी। नदियां कौन सी हैं, भागीरथी, अलकनंदा, यमुना। इनका उद्गम स्थान क्या है, वो यहीं सर यहीं से निकल के चलता है। अब अगर हम इसकी चट्टानों की बात बात करें तो ये तलछट की चट्टानों से निर्मित है, ठीक है। और इसमें अगर चोटियों की बात करें तो इसी इसी प्लेस में आपको नंदा देवी मिलेगा, कॉमेट मिलेगा, कामेट जिसे कहते हैं, और बंदर पूंछ, ठीक है, बंदर पूंछ। ये आप लोगों को ये वाली चट्टाने इसी पर मिलेंगी। तो जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो, और क्योंकि हिमालयी क्षेत्र है और महान हिमालयी क्षेत्र है, तो सिंपल सी बात है, जो जलवायु होगी वो क्या होगी, बहुत ज्यादा ठंडी होगी, ठीक है। इसमें इसी प्लेस में क्या होगी, वनस्पति जो है वो बिल्कुल शून्य होगी, वनस्पति, ठीक है, वनस्पति क्या होगी, बिल्कुल शून्य होगी यहाँ पर, क्योंकि क्या है, बर्फ से ढका हुआ, बर्फ से ढका हुआ है पूरा, क्या रहता है, पूरा बर्फ से ढका होता है। और जो मानसरोवर वाला मानसरोवर यात्रा जो होती है वो इसी के थ्रू होती है, इसलिए आप लोगों को इसे ध्यान रखना है। अब इसी में एक चीज और आती है कि जो ये वर्षा होती है यहाँ पर, वर्षा पूछ लिया जाता है, ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि ये पूछ ली जाती है कि कौन 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 से पार्ट है। तो मैंने देखिए आपको वर्षा के हिसाब से बता दिया, नदियों के हिसाब से बता दिया, वहां पे जो जलवायु है वो उसके हिसाब से बता दिया, वनस्पति बता दी है, चोटियां बता दी हैं, ओके, ये बर्फ से ढकी हुई है। अब एक अब अगला जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वर्षा के, वर्षा से ही रिलेटेड है, ठीक है। वर्षा के हिसाब से ये वृष्टि छाया क्षेत्र है, और जो इसमें औसतन जो वर्षा होती है यहाँ पे जून से सितंबर के बीच ही होती है, ध्यान से ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जून से क्या है सितंबर के बीच में होगी, और कितनी होगी, 100 से 200 मिलीमीटर तक ही होती है। इसमें इसी पार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे आप लोगों को जो पेड़ मिलेंगे, ये आप लोगों का पिछला आरओ के एग्जाम में, एआरओ जो हाईकोर्ट एआरओ था उसमें ये एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, हाइट के अकॉर्डिंग पूछा गया था कि कौन से पेड़ किस क्षेत्र में होते हैं। तो आप लोगों को ये चीजें पता होती है, पता होनी चाहिए, साल, चीड़ और सागौन, ये वृक्ष निचले जो महान हिमालय का नीचे वाला क्षेत्र है उसमें ये सारी क्या होता है, ये पेड़ आप लोगों को, वृक्ष आप लोगों को देखने को मिलेंगे। चलिए अब नीचे चलते हैं, और यही जो प्लेस था यहाँ पे जो शौका लोग रहते थे, भेड़ पालन करते हैं वो शौका बोला जाता है, तो ये ग्रीष्म काल में क्या करते हैं उस तरफ चले जाते हैं। और क्योंकि ये आप लोगों ने कीड़ा जड़ी वगैरह का नाम सुना होगा, तो इसी इलाके में वो जो है कीड़ा जड़ी मिलती है। जब मैं चमोली में था तो वहां पर एक लड़का काम करता था उस स्कूल में, वो जून के महीने में क्या क्या करता था, ये कीड़ा जड़ी का बिजनेस किया करता था, वो लाया करता था। इतनी चीजें आप लोगों को शायद आप लोगों ने नोट डाउन कर ली होंगी, टेक्निक मैंने आप लोगों को बता दी है, इसको आपको पिक्चराइजेशन करना है। पिक्चराइजेशन करके आप लोगों को चार पांच जो सेक्टर बनेंगे उनको आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, फटाफट एक व्हाइट पेज में आप लोगों को इसे बना लेना है। अब आ जाते हैं मध्य हिमालयी क्षेत्र के बारे में। मध्य हिमालयी क्षेत्र में या इसी को हम क्या कहते हैं, महान हिमालय के बीच में जो है, ये है आपका महान हिमालय और शिवालिक, दो के बीच में है ये, किसके बीच में है, तीन लाइन आप लोग सीधे सीधे समझ लीजिए, ये 1, 2 एंड 3, ये आपका शिवालिक है, ठीक है, ये आपका महान है और ये बीच का है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, मध्य कहेंगे। इसके नीचे आपका गंगा का मैदान, ये आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं, इसको लिख लिख के डायग्राम बना के याद कीजिए, बार बार मैं ये बात कहता हूँ, इसके बीच में क्या होता है, मध्य हिमालय आता है आप लोगों का। इसकी जो चोटियां हैं, चोटियों की जो हाइट होगी वो होगी आपका 3000 से 4000 मीटर, ये क्या है आप लोगों की चोटियां हैं। अब देखिए 3000 से 4000 मीटर की अगर हम बात कर रहे हैं तो चोटियों की ही बात कर रहे होंगे, ये कॉमन सेंस है हमारा, इसलिए हमें यहाँ पर चोटियां भी नहीं लिखना है, ये हम अपना कॉमन सेंस यूज करके कर ले। ऊपर वाली जो चट्टाने थी वो तलछट से बनी हुई थी, जो हमारा महान हिमालय था। अब हम मध्य हिमालय की बात कर रहे हैं, मध्य हिमालय किससे बना हुआ है, अवसादी, ये अवसादी चट्टानों से
बना हुआ है। ये भी हिमालय का ही पार्ट है, शीत ही इसकी जलवायु, जलवायु की बात करेंगे तो ये क्या होगा आप लोगों का, शीत ही है। और पेड़ों की अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो वृक्ष हम लोगों को मिलेंगे वो किस में मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको चीड़, देवदार। ध्यान रखिए ये जो चीड़ होता है, ये चीड़ आपका महान से चलते हुए पूरा यहाँ तक आता है, शिवालिक तक आता है, ठीक है, गंगा के मैदान जो है उसमें आप लोगों को चीड़ नहीं मिलेगा। चीड़ हो गया, यहाँ पे देवदार आप लोगों को मिलेगा और साथ ही साथ आपको यहाँ पे साल भी देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही आगे चलेंगे। इस मध्य हिमालय में जैसे नैनीताल, जो आपके टूरिज्म प्लेसेस हैं, पर्यटन के जो टूरिज्म प्लेसेस हैं वो आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे। टिहरी हो गया आपका, उत्तरकाशी हो गया, उत्तरकाशी, पौड़ी, ये सारी सारे प्लेसेस आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे। अब चलते हैं आगे और ये है आप लोगों का शिवालिक। तो ये है आप लोगों का शिवालिक, शिवालिक हिमालयी क्षेत्र, ये सबसे नीचे वाला हिस्सा है। शिवालिक हिमालय के नाम से इसे हम जानते हैं और इसका एक दूसरा नाम भी है जिसे आप लोगों को याद रखना है, उसे बोला जाता है पाद श्रृंखला। पाद का मतलब होता है पैर, ध्यान रखिए पैर। तो क्योंकि हिमालय की अगर हम चोटियों की बात करें तो ये आपका 1, 2 एंड 3, तो ये क्या है आप लोगों का जो नीचे वाला हिस्सा है, यही आप लोगों का शिवालिक का शिवालिक क्षेत्र इसी को कहा जाता है। और इसके दक्षिण क्षेत्र में जो शिवालिक है उसी के दक्षिण क्षेत्र में आप लोगों को मिलेंगे दून, ठीक है। और इसमें सबसे फेमस जो दून है वो आप लोगों को याद ही होगा, देहरादून, ठीक है। इसकी जो पहाड़ियां हैं, अब देखिए वहां पर कितना था, 3000 से 4000 था मध्य में, यहाँ पे जो पहाड़ियों की ऊंचाई है वो आपकी 750 मीटर से 1200 मीटर तक आप लोग आ जाते हैं। शीतकाल में अब क्योंकि ये बहुत ही हम कहें प्लीजेंट प्लेसेस होते हैं, यहाँ पे आप लोगों को 4 डिग्री सेल्सियस से लेके 33 डिग्री तक आप लोगों का तापमान मिलेगा। हमारा जो पौड़ी गढ़वाल का क्षेत्र है तो वो भी उसमें जो हमारा पर्टिकुलर जो हमारा एरिया है बैजरो साइड का, तो वहाँ पर यही लगभग टेम्परेचर रहता है। इसमें वर्षा की हम बात करें तो 150 to 220 mm की यहाँ पर वर्षा होती है। वनस्पति की बात करें, अब देखिए सारी चीजें हर जगह आप लोगों को यही डिस्कशन करना है, अपने आप से अपनी एक कॉपी लीजिए, खुद से प्रश्न कीजिए, शिवालिक में कौन सी वनस्पति होती है, शिवालिक में कितनी बारिश होती है, शिवालिक की हाइट्स कितनी है, जो पीक्स हैं, ठीक है, इसका कोई स्पेशल है जैसे कि इसको पाद श्रृंखला बोला जाता है, ठीक है। ये आप लोग खुद से क्वेश्चन कर सकते हैं, महान हिमालय में आप खुद से यही क्वेश्चन कीजिए, बारिश क्या होती है, वनस्पति क्या होती है, कितनी बारिश होती है, कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, खुद से क्वेश्चन कीजिए और खुद ही उनके आंसर कीजिए। आप लोगों में बहुत अच्छा एक इंटरेस्ट बनेगा आपका स्टडी में और सारी चीजें आप लोगों को याद भी होती चलेंगी। इसमें जो मिलेंगे आप लोगों को, जो पेड़ आप लोगों को मिलेंगे उसमें आंवला है, शीशम है, शीशम, साल, चीड़, देवदार और बांस, ये आप लोगों को मिलेंगे। एक क्षेत्र में अगर हम टूरिज्म की बात करें तो इसी में आप लोगों का मसूरी आ जाता है, लैंसडाउन आ जाता है, लैंसडाउन, रानीखेत, इसके बाद चकराता, नैनीताल और भीमताल, खिरसू, कौसानी, ये सारे इसी में शिवालिक में ही आते हैं। ये प्राकृतिक सौंदर्य जो है बहुत अच्छा है इसमें, जो भी इन प्लेसेस में रहे होंगे, हमारा तो जन्म ही शिवालिक में हुआ है तो ये सारी चीजें हमें, ज्यादातर चीजें याद नहीं रखनी पड़ती है क्योंकि कोरिलेट कर सकते हैं। अच्छा आंवला होता ही है, शीशम, साल, चीड़, देवदार, बांस, ये सारी चीजें हमने देखी हुई है, ये सारे प्लेसेस हमने घूम रखे हैं, ठीक है। ये तो हमने टेम्परेचर, यही टेम्परेचर हमेशा से देखा हुआ है। और जहां जहां आप जाते हैं, देखिए एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, जो उत्तराखंड में रहने वाले हैं
वो जहां भी जाए ना तो बोर्ड्स लगे होते हैं, जहां भी आप घूमने जाइए आपके आसपास भी कई कई सारे बोर्ड्स लगे होंगे, तो उन बोर्ड्स को देखिए। उन बोर्ड्स को आप देखेंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ आप सीख जाएंगे कि ये जो हाइट है ना, आप लोगों को हाइट्स याद होनी शुरू हो जाएंगे, एक जनरल आइडिया आ जाएगा कौन सी चीजें कहाँ पर होती है। अब चौथा जो है वो है आप लोगों का गंगा का मैदानी क्षेत्र। अब हम गंगा के मैदानी क्षेत्र के बाद बात करेंगे, गंगा का मैदानी क्षेत्र। अब क्योंकि देखिए, मैं खुद अब उधम सिंह नगर में आ गया हूँ, तो कुछ आइडिया तो मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ कि कौन सी चीजें हैं। ये कम एरिया है, ठीक है, इसका जो एरिया है ये 10 से 25 किलोमीटर की ये हम चौड़ाई कहें या विड्थ कहें, चौड़ाई है। इसमें जो जो रूट पड़ता है यहाँ तक आने पर, वो सारी चीजें लगभग चीजें याद हो गई, जैसे कि काशीपुर हो गया आपका, काशीपुर हो गया, फिर उसके बाद हमें किच्छाई मिलता है, और ये तो हमारा रूट ही है इधर आने का। तो कहीं ना कहीं आप ट्रैवल कीजिए। एक मैंने वीडियो भी बनाया था मैप को याद करने का, कि मैप किस तरह से कीजिए, किस तरह से डेली मैप ट्रैवल कीजिए। डेली मैप ट्रैवलिंग अगर आप कर रहे हैं ना, तो उससे आपके 10,000, आपके एक ही महीने में 10,000 फैक्ट्स आप याद कर सकते हो। तो सोचिए, 10,000 फैक्ट्स अगर हम किसी एक सिंपल टेक्निक से यूज करके याद कर पा रहे हैं, तो क्या हमें वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो मुझे लगता है कोई बेवकूफ़ी होगा जो उसे नहीं करेगा। तो अगर आप सीखिए कि जो मैप से ट्रैवलिंग के मैंने 5-6 वीडियो बनाए थे, उस सीरीज को मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था, लेकिन यह है कि 5-6 वीडियो में ही आपको समझ में आ जाएगा कि जो मैपिंग होती है उसमें ट्रैवलिंग कैसे करनी है, कैसे हम आइडिया ले सकते हैं पूरे वर्ल्ड का, इवन इंडिया का अगर आप शुरू करेंगे, और फिर उसके बाद पूरा इवन वर्ल्ड का आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों के गंगा के मैदान में आती हैं। इसमें जो जलवायु की बात करें, तो ग्रीष्म काल में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। ग्रीष्म काल में क्या होती है, इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है, ये तो जो लोग इधर रह रहे होंगे। इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि इसको अन्य किस नाम से पुकारा जाता है, तो ये है आपका तराई भावर। ये बहुत ज़्यादा मीन्स टफ क्वेश्चन तो नहीं है। अब आते हैं जो आप लोगों को याद रखना है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना आप लोगों को। यह दो प्लेटों का जो उत्तराखंड है, पूरा जो उत्तराखंड है वो क्या है, सिर्फ गंगा का मैदानी क्षेत्र के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप उत्तराखंड के बारे में याद रखिए। ये गंगा का मैदानी क्षेत्र हम यहीं पर कंप्लीट कर रहे हैं, आगे हम और चीज़ें कल करेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ आज इस वीडियो के साथ में देकर इस चैप्टर को फिनिश करूँगा। हमारा जो उत्तराखंड है वो बहुत ही अति संवेदनशील इसे माना जाता है, संवेदनशील है। इसमें काफी बार भूकंप भी आए हैं, भूकंप की लिस्ट मैं अभी आप लोगों को आज ही दे देता हूं, याद कर लीजिए साथ ही साथ। तो इसमें यूरेशियन या तिब्बत प्लेट कहते हैं हम जिसे, ठीक है, भूकंप के हिसाब से याद रखना है, यूरेशियन या इसे कहा जाता है तिब्बतन प्लेट, ठीक है, तिब्बत प्लेट इसे कहा जाता है। एक ये है और दूसरी है भारतीय प्लेट, भारतीय प्लेट। ये इन दोनों का जो मिलन हो रहा है, ठीक है, इसका मिलन क्या है, उत्तराखंड क्या है, इनका मिलन स्थल बोला जाता है, इसका मिलन स्थल माना जाता है इन दोनों का, ठीक है। और जो भारतीय प्लेट है ये खिसक रही है 5 सेंटीमीटर की गति से, 5 सेंटीमीटर की गति से ये क्या हो रही है, यूरेशियन प्लेट की ओर खिसक रही है।